तो आज की मेरी रेसिपी है कद्दू की सब्जी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कद्दू चॉप कर लिया है, तो मैं आपको थोड़ा एक पीस मैंने बचा लिया तो आपको दिखाने के लिए कि कद्दू मैंने कैसे साफ किया है, कैसे काटा है। ये देखिए इस तरीके से हम कद्दू के पीस करके इसके जो बीज के जो बीज हैं इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। इसके पीछे का भाग दोस्तों जो इसका जो छिकल होता है ये हरा है, इसको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हरा है, इसको छीला नहीं जाता है, इसका छिकल बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से आप इसके पीसेस कर लीजिए, इस तरीके से देखिए गाइस, इस तरीके से इसको बीच से काट के और इसको छोटे छोटे पीसों में आप मतलब चॉप कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी बनती है, इसको आप खट्टा मीठा बनाए तो बड़ा अच्छा स्वाद आता है इसमें। इस तरीके से ये देखिए जिसमें हरा जो छिकल होता है इसको आप बिल्कुल मत निकालना, इसमें जो पीला छिकल आता है उसको हम निकाल देते हैं, जो पका हुआ कद्दू होता है उसका छिकल निकालना होता है, और जो हरा कद्दू होता है उसका विद छिकल के बना लिया जाता है। तो इस तरीके से आप कद्दू को चॉप कर ले। तो इस कद्दू को मैंने, ये देखिए हमारा कद्दू चॉप हो चुका है, ये मैंने 250 ग्राम कद्दू लिया था। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स, ये रहा रिफाइंड ऑयल, आप इसमें समय जितना जरूरत हो उतना हम यूज कर लेंगे, इसकी जगह हम सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो धनिया पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा गुड़, इसकी जगह आप चीनी भी यूज कर सकते हैं, नमक 1 टीस्पून, वैसे तो नमक स्वाद अनुसार, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, हींग 1-2 पिंच, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हरा कद्दू चॉप किया हुआ, यहाँ पे मैंने कद्दू हरा लिया है चॉप किया हुआ, धुल के साफ कर ले, और मिर्च 1 हरी चॉप की हुई, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ये तीखी वाली मिर्च है, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पत्ता चॉप किया हुआ, धो के साफ करके चॉप कर ले। यहाँ पे मैंने हरा कद्दू लिया है चॉप कर लिया, इसे अच्छे से पानी से धो के साफ कर लिया है। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गैस पे कढ़ाई रखिए, गैस का फ्लेम तेज कर लें। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालिए, रिफाइंड ऑयल 1 बड़ा चम्मच, रिफाइंड ऑयल वैसे कम ही यूज करना चाहिए, तो बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसके थोड़ा सा गर्म हो जाने दें, इसके बाद आप गैस का फ्लेम स्लो कर लें। अब इसमें अपना हींग जीरा डाल दीजिए, अब हींग जीरा हमारा तड़क जाए तो इसमें मेथी दाना भी डाल दें, लगभग साथ ही साथ डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेथी दाना डाल दीजिए, मेथी दाना जब हमारा भुन जाए तो आप इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए, क्योंकि हम डबल मिर्च यूज कर रहे हैं इसलिए हरी मिर्च आप भून लेंगे तो उसका तीखापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब्जी तो बच्चे भी खाते हैं। अब इसमें कद्दू डाल दीजिए, चलाइए, अब गैस का फ्लेम बीच का कर लें आप। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डालिए, मिर्च पाउडर डालिए, अब सब्जी को नमक डालिए, सब्जी को चला दें अच्छे से। अब इस कद्दू की सब्जी हमें अपनी भूजनी है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए से लो फ्लेम पे भूजना है, बीच का फ्लेम कर ले, भूजना है ऐसे बराबर 2 मिनट के लिए। अब ये देखिए सब कद्दू हमारा भुज गया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने अभी 1 कप पानी डाला है, 1 छोटा कप, 1/2 गिलास से आधा डाला अभी पानी मैंने, इसमें अभी पानी कम है थोड़ा सा, चलिए अभी पानी थोड़ा और डाल देते हैं। तो इसमें हम 1 कप पानी और डाल देंगे, मतलब 1/2 गिलास का आधा पानी, मतलब आप 1/2 गिलास पानी डाल दें इसमें, 250 ग्राम कद्दू में 1/2 गिलास पानी पड़ जाता है आराम से। अब इसको एक प्लेट से आप ढक दें। तो अब गैस का फ्लेम आप जब सब्जी आपकी खोलने लगे तो आपको गैस का फ्लेम स्लो कर दें। चलिए 2 मिनट बाद आप प्लेट खोल के देखिए दोस्तों, सब्जी को 2-2 मिनट में आप चलाते रहिए ताकि सब्जी आपकी जल ना जाए नीचे कढ़ाई में, तो इसलिए आप 2-2 मिनट में उसे चलाते रहिए। तो सब्जी अभी हमारी नहीं पकी है तो आप प्लेट ढक दीजिए दोबारा, अब फिर से देखिए 2 मिनट बाद, देखिए सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। अभी हमारा कद्दू पक चुका है, आप 1 कद्दू का पीस काट के देख लीजिए कलछी से। तो ये देखिए हमारा कद्दू पक चुका है, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, अब इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे हम लोग, अब इसमें गुड़ भी डाल देंगे, आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं,
तो इसमें गुड़ डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से चलाइए। अब गैस का फ्लेम आप स्लो करना, गैस का फ्लेम स्लो कर लेना ताकि इसमें आप जो, अब ये देखिए इसको आप चलाते जाइए। अब आप इसे तब तक चलाइए जब तक ये गुड़ हमारा घुल ना जाए, और गैस का फ्लेम आप स्लो रखना नहीं तो सब्जी का सारी जो तरी है वो सब सूख जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से, ये देखिए कद्दू हमारा अच्छे से पक चुका है, इसे अच्छे से कलारिए। अब इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए। इसमें देखिए गुड़ हमारा पूरा घुल चुका है। दोस्तों ये मैंने लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। धनिया पत्ता डाल के आप इसे अच्छे से चलाइए इसे। तो दोस्तों आप एक बार लोहे कढ़ाई ज़रूर आप सब्ज़ी खाएं, तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सब्ज़ी आपको कैसी लगी है। तो देखिए दोस्तों ये सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए वो सब्जी को आप, तो चलिए सब्जी को आप खट्टी मिट्टी कद्दू की सब्ज़ी आप सर्व कीजिए और घर में सबको खिलाइए, आप भी खाइए सबको खिलाइए। और मेरे वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन दिखेगा उसको जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।